राम राज्य आएगा हमारे इस आचरण की श्रेष्ठता है। राम हमारे आचरण की पवित्रता है। राम हमारे अवतारी सत्ता भी है। राम हमारे उपास्य देव भी है। राम के हम वंशधर हैं। हम रामकृष्ण की संतान, ऋषिकाओं की संतान है। तो राम एक आदर्श पिता है, आदर्श पुत्र है, आदर्श शासक है, वो तपस्वी भी है। और जो हम भजन गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, हमारे मन के अंदर राम और सीता का विग्रह बस जाए। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोड़ी जुग पानी। इसी संकल्प के साथ सारे देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं, के सब राम के और सीता के साक्षात विग्रह बने, लक्ष्मी नारायण के, भगवान भगवती के, उमा महेश्वर के हम साक्षात विग्रह प्रतिरूप, उनके मूर्त रूप, उनके उत्तराधिकारी बन करके उन सबके सपनों को हम पूरे करने वाले बने। महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। ये सच है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारे सांस्कृतिक सनातन संविधान से चलता है, लेकिन देश के संविधान से चलता है। और संविधान ने हमें सबसे बड़ा अधिकार दिया है वोट करने का। तो जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सनातन धर्म की जड़ों के साथ जुड़ी हुई जो है, जो लोग हैं, उसकी सरकार इस देश में बननी चाहिए। उसके लिए लोग वोट करें। वोट करने की अपील कुछ करेंगे देशवासियों से, और किस तरह से वोट करें, किसके? मैं सन्यासी होने के नाते वोट अवश्य करता हूं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि राष्ट्र हित में वोट जरूर करें। ऐसी सरकार को चुने जो विरासत को, विकास को, संस्कृति को, समृद्धि को, एक तरफ हमारे कल्चर को लेकर के साथ में चले, और दूसरी तरफ इस भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए, सामरिक महाशक्ति बनाने के लिए समर्थ हो। ऐसी सरकार चुनेंगे तो सब भारतीयों के सपने पूरे होंगे। साम्राज्य दिवस के 300 वर्ष की पूर्ति के अवसर पर पहली बार व्यासपीठ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कथा, और वह भी हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्र धर्म के सबसे बड़े उद्घोषक, हमारे बहुत बड़े संत महापुरुष गोविंद देव गिरी जी महाराज जी कर रहे हैं। उद्देश्य है जिस तरह से गो माता की, भारत माता की रक्षा के लिए और अखंड भारत के निर्माण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो शौर्य पराक्रम के साथ प्रचंड पुरुषार्थ किया, वही प्रचंड पुरुषार्थ से देश में जगे 25-25 दिनों में 19-19 के लिए जीत करके 360 किलो के ऊपर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। आज व्यक्ति अपने परिवार को खंडित होने से नहीं बचा सकता। उन्होंने अखंड भारत की संकल्पना ही नहीं की, उसकी प्रतिष्ठा हेतु 50 वर्षों तक निरंतर संघर्ष किया और हारे नहीं, की तरह हमेशा लड़ते रहे और जीतते रहे। वो ये नहीं कहते थे करेंगे और मरेंगे, वो कहते थे करेंगे और जीतेंगे। ऐसे महापुरुष के शौर्य से ये सनातन धर्मी जगे और इस देश को शिक्षा की गुलामी से, जो 1835 में मैकाले पाप करके गया, चिकित्सा की गुलामी से इस देश को, आर्थिक गुलामी से, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों और विलासिता की गुलामी से मुक्ति मिले। और संकल्प हमारा पूरी दुनिया के 500 करोड़ से अधिक लोग, माने पूरी दुनिया में यदि बहुमत के आधार पर देखा जाए तो 500 करोड़ से अधिक लोग सनातन धर्म को फॉलो करने वाले तैयार हों, क्योंकि सनातन धर्म एक जीवन पद्धति है। जिस तरह से सारी दुनिया में त्रास है, सारी दुनिया में हिंसा है, क्रूरता है, युद्ध है, मारकाट है, खून खराबा है, इस पूरी दुनिया को राह दिखाने का कोई काम कर सकता है तो भारत वर्ष कर सकता है। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इस रामनवमी पर हमारा संकल्प है कि इस राष्ट्र में राम राज्य आए और पूरे विश्व में राम राज्य के जो मूल्य, आदर्श और प्रतिमान है वो घड़े जाएं। इसके लिए हम अपने संपूर्ण जीवन की आहुतियां अर्पित करेंगे। आज मैं 30 वर्ष का सन्यासी हो गया हूं और अपने जैसे 250 से अधिक और योगी, योद्धा, वेद भक्त, सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को समान रूप से गौरव देने वाले योद्धा सन्यासी भी तैयार कर दिए, पूरे देश को खड़ा करेंगे। और जो सपना देखा था छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का, अखंड भारत का जो सपना है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।